दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों अब कांग्रेस ने भी अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। जहां दोस्तों कांग्रेस की अगर बात करें तो अब यहां पर कह सकते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और यहां पर आम आदमी पार्टी फ्री सेल यहां पर प्रोवाइड करा रही है। जहां दोस्तों चुनावी रण यहाँ पर जारी है और चुनावी रण के तहत अब सभी पार्टियां फ्री का ऐलान कर रही हैं, तो ऐसे में क्या यहां पर रणनीति कांग्रेस ने तैयार की है और वचन पत्र में जिस प्रकार की बातें यहां पर कांग्रेस कर रही है तो कितनी सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं और दिल्ली की 70 सीटों के लिए क्या यहां पर ताजा आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इसी बीच यहां पर अगर बात करें तो एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि नीतीश कुमार एंट्री कर चुके हैं दिल्ली चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के साथ। ये बड़ा यहाँ पर उलटफेर कांग्रेस के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी यहाँ पर चिंता की बात हो सकती है क्योंकि अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो पिछड़ती नजर आ रही है। सर्वे इस तरह के यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इससे पहले जो सर्वे था वो आम आदमी पार्टी की तरफा यहाँ पर जीत दिला रहा था, लेकिन नागरिकता संशोधन बिल को लेकर और जिस प्रकार से यहाँ पर शाहीनबाग में प्रदर्शन है ये बड़ा मुद्दा अब बन चुका है। सीए के खिलाफ यहाँ पर लोग हैं तो कई लोग इसके समर्थन भी हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए क्या नतीजे आने वाले हैं इसके लिए 8 फरवरी को मतदान होंगे और 11 फरवरी को इसके रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या सर्वे यहां पर निकल कर आ रहा है तो बीजेपी के लिए आज की कंडीशन में कितनी सीटें यहां पर मिल सकती हैं। देखिए 30 से 37 सीटें बीजेपी को आ रही हैं। जिस प्रकार से बीजेपी का पलटवार देखने को मिल रहा है और अब यहां पर लगने लगा है कि बीजेपी कुछ दिनों में और इन सीटों में इजाफा कर सकती है। भाव भी कम अब दिखा रहा है सट्टा बाजार, एक के बदले 3 रुपए का भाव यहां पर बीजेपी के लिए दिया जा रहा है। बीजेपी यहां पर सत्ता में वापसी कर सकती है क्योंकि इससे पहले 22 सालों से बीजेपी पीछे रही है और अब कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर भारी दिखाई दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का अभी भी पलड़ा भारी है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ये पलड़ा जो है वो गिर सकता है। ये सर्वे यहां पर निकल कर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो लगातार गिरता जा रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए जो वचन पत्र जारी किया है और जिनमें कई ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने की बात कांग्रेस कर रही है और कहीं ना कहीं अब 1 से 3 सीटें कांग्रेस के भी पक्ष में जा सकती हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टक्कर है और अगर यहां पर वो वोट शेयर बढ़ जाता है तो बीजेपी का इसका फायदा मिलने वाला है। लेकिन बहुत जल्द और नए सर्वे के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे, तो उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या लगता है दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार और कितनी सीटें किस पार्टी को जा सकती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।